हेलो गाइस, आइए बात कर लेते हैं आज की कुछ लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 6696 की जो थर्ड काउंसलिंग हुई थी 69,000 शिक्षक भर्ती की, उसमें जो अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने से किसी भी कारण से वंचित रह गए थे, उन्हें अब पुनः मौका दिया जा रहा है शासन की तरफ से, ताकि वे फिर से अपनी काउंसलिंग करा सकें और चयन का मौका उन्हें भी प्राप्त हो सके। और साथ ही उन्हें ये भी बताया जाएगा इस वीडियो में कि किस डेट को उनकी काउंसलिंग पुनः निर्धारित की गई है। और इसके अलावा इसमें आपको ये भी जानकारी दी जाएगी कि किस डेट से पूर्व के बने डिमांड ड्राफ्ट उनके मान्य और स्वीकृत किए जाएंगे काउंसलिंग के समय। तो गाइस, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आइए देख लेते हैं कि क्या है वो खुशखबरी जिसमें 6696 की थर्ड काउंसलिंग में छूटे हुए अभ्यर्थियों को पुनः काउंसलिंग कराने का मौका देने की बात उल्लिखित की गई है। आइए इस शासनादेश को गौर से देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें उल्लिखित किया गया है, प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, सेवा में प्राचार्य अध्यक्ष जनपदीय चयन समिति समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। और इसमें पत्रांक संख्या दी हुई है, दिनांक दिया हुआ है 9/8/21, यानी ये आज ही को जारी किया गया है, जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि आप देख सकते हैं कि उक्त के संबंध में परिषद कार्यालय के पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 10,777 11,022/2021-22 दिनांक 26/6/2021 द्वारा विस्तृत निर्देश दिए गए थे। NIC द्वारा प्राप्त कराई गई 6696 पदों के सापेक्ष अनंतिम चयन जनपद आवंटन की सूची में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जो किन्हीं कारणों से दिनांक 28/6/2021 एवं 29/6/2021 को जनपद स्तर पर आयोजित काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर सके को दिनांक 17/8/2021 एवं 18/8/2021 को अभिलेखों का परीक्षण काउंसलिंग में प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान की जाती है। निर्धारित तिथि 18/8/2021 या इसके पूर्व का निर्गत बैंक ड्राफ्ट मान्य होगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार केवल 6696 अनंतम चयन जनपद आवंटन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी जो किन्हीं कारणों से काउंसलिंग में अनुपस्थित थे को ही परिषद द्वारा दिए गए निर्देश एवं निर्गत सुसंगत शासनादेशों में दिए गए निर्देशों के क्रम में नियमानुसार काउंसलिंग कराते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही इसमें प्रताप सिंह बघेल जी का साइन भी किया हुआ है। तो गाइज, ये उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है जो 6696 की थर्ड काउंसलिंग में प्रतिभाग करने से छूट गए थे, जिन्हें पुनः मौका दिया जा रहा है 18 तारीख को और 17 तारीख को। साथ ही उन्हें ये भी सुविधा दी जा रही है कि 17 और 18 तारीख से पूर्व का जो बैंक ड्राफ्ट अगर उन्होंने बनवाया है तो वो भी मान्य और स्वीकार किया जाएगा। तो गाइस, आई होप कि 6696 की थर्ड काउंसलिंग में छूटे हुए उन अभ्यर्थियों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी प्राप्त हुई होगी इस वीडियो में, जो कि काउंसलिंग कराने से किसी भी वजह से वंचित रह गए थे और अब उन्हें पुनः मौका दिया जा रहा है अपने अभिलेखों की जांच के लिए और काउंसलिंग में प्रतिभाग करने के लिए। तो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन भी अपने लिए यूज़फुल लगी होगी। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।